कसरावत नगर परिषद चुनाव को लेकर घमासान अपने चरम पर है। जहां एक ओर कांग्रेस की कमान राजेंद्र यादव ने संभाल रखी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितेंद्र पाटीदार अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर मैदान में डटे हैं। तो वहीं आजाद समाज पार्टी तीसरा मोर्चा के रूप में दोनों दलों के समीकरण को बिगाड़ दिया है। दोनों पार्टियां अपने समीकरण जमा कर ही रही थी कि बागी प्रत्याशियों की कमान भूतपूर्व सांसद प्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेता प्रहलाद सिंह तंवर ने अपने हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी से बगावत का बिगुल फूंक दिया। नगर हित की सरकार बनाने का दावा पेश कर भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ा दी है। वहीं जितेंद्र पाटीदार का कहना है कि जिन्होंने नाम वापस नहीं दिया वह निर्दलीय प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है ही नहीं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले समय में बागी प्रत्याशी चुनाव का समीकरण किस तरह से बिगाड़ते हैं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। इस बार नगर परिषद चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी चुनाव उतारे हैं, तो आजाद समाज पार्टी जो है उनके प्रत्याशी भी लगभग 6 प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं और 6 बागी को जो है प्रहलाद सिंह तंवर अपनी गुट में मिला करके और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो है मुश्किलें पैदा कर बढ़ाना चाहते हैं। अब ये देखना है कि जो बागी प्रत्याशी है वो दोनों पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाएगा और इस जो बागियों के कमान प्रहलाद सिंह तंवर ने संभाली है इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा और ये क्या जनता को ये समझाने में कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो कमान कसरावत की संभाल के रखी जितेंद्र आर्य उनसे कुछ बात करते हैं। जो पिछली नगर परिषद रही और केंद्र और राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन सरकारों के द्वारा जो विकासकारी योजनाएं और जन कल्याणकारी काम किए गए हैं उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बार प्रत्याशी के चयन में माना गया कि कसरावत से जितेंद्र पाटीदार जी की को ही पूरी छूट दी गई थी कि वो अपनी पसंद के प्रत्याशी लाए, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है, क्या कहेंगे, कितनी नाराजगी रही आपकी? भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूरे पदाधिकारी मिलकर प्रत्याशी तय करते हैं, तो सभी ने बैठक करके और विचार करके सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और पूरी पार्टी एक साथ सभी प्रत्याशियों को जिताने में जुटी है। क्योंकि अभी आपके पार्टी से जो कद्दावर नेता कहे जाते थे प्रहलाद सिंह तंवर, उन्होंने अभी आज बगावत दिखाई और जो प्रत्याशी आपके बगावत कर चुके थे जो आपके मनावा के बाद भी अपने फार्म नहीं निकाले थे उनकी उन्होंने कमान संभाली है, तो वो ऐसी स्थिति में बीजेपी से बगावत किए तो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे और कैसे संभालेंगे आप? पहली बात तो जिन लोगों ने निर्दलीय फार्म जमा कर रखे हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। दूसरी बात कि अपने अपने विचार हैं, जो वैचारिक स्वतंत्रता है अपने देश में, अपना राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रति तो जो राजनीतिक दल के प्रति जो उनके भाव होना चाहिए अगर नहीं है तो उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि मैं अभी भी पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन चूंकि सीधा सीधा सा उनका कृत्य जो है पार्टी के खिलाफ जाता है, तो क्या जल्द ही कोई कार्रवाई की उम्मीद? भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सिंबल पर कमल के फूल का चुनाव चिन्ह दिया हुआ है और अब चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कोई व्यक्ति उम्मीदवार नहीं है, वो कमल का फूल है ना, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है और उसके खिलाफ जो भी काम करेगा उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से इस बार निर्दलियों की संख्या काफी ज्यादा है तो क्या लगता है कि क्या कुछ समीकरण बिगाड़ सकती है निर्दलीय? इस बार निर्दलीय तो निर्दलीय हर बार रहते हैं चुनाव में, पहली बार कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हर बार लड़ते हैं। इस बार कुछ संख्या ज्यादा है, इस बार होंगे कांग्रेस के ज्यादा उम्मीदवार है, हमारे तो कोई नहीं है। तो क्या कहे कि इस बार आप जीत को लेकर कितने आसानी? इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार परिषद में 11 पार्षद थे जी। आज ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आज ये कार्यक्रम का सीधा सीधा सा उद्देश्य है कि यहाँ कसरावत में नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं और नगर पंचायत में हम लोगों ने एक राष्ट्रवादी नगर हित विकास समिति को बनाया है जिसके हमारे 6 उम्मीदवार पिछले 10-12 दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और सभी बंधुओं को एक साथ मिलाकर विकास की बात कर रहे हैं और आज हमने आप सभी और बाहर जनता भी है
उनके सबके माध्यम से पूरे नगर में एक आज से हमारा एक रथ प्रारंभ होगा। उस रथ में प्रत्येक रथ में जिस वार्ड का प्रत्याशी है उस वार्ड का प्रत्याशी रहेगा और मैं खुद इनके जनसंपर्क में रहूँगा। क्योंकि आप भाजपा से जुड़े रहे हैं और कुछ पदों पर भी रहे हैं आप, तो क्या अभी चुनाव के इतने नज़दीक आकर के और बगावत ही कहलाएगी क्या, किस तरीके से? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और जीवन भर रहूँगा। मेरी हर नस में, हर खून के एक एक रक्त में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से कोई विरोध नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ जो कसरावत में जो राजनीति कर रहे हैं और खरगोन की जो राजनीति, जिले की राजनीति कर रहे हैं, वो ऐसे कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं जो वास्तव में पंडित दीनदयाल के सपने को साकार करने का काम कर रहे थे। उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया और इन्होंने खरीद फरोख्त करके, यहाँ के नेताओं ने खरीद फरोख्त करके ऐसे साफ स्वच्छ सभी के कार्यकर्ताओं को जो टिकट न देकर वो किया है, तो मैं उसके विरोध में हूँ, न कि भाजपा के। जितने भी पार्षद आपके साथ में हैं, क्या सभी वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से थे या कुछ अलग भी? नहीं, सब अलग अलग विचारधारा के मेरे साथ पार्षद हैं। और चूंकि जब हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा को, हमारा जो संगठन नाम है, जब हम राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी भाजपा का ना है ना कोई कांग्रेस का है। ये आपका नगर पंचायत के चुनाव तक ही ये मिशन है कि ये मिशन आगे भी पार्टी के संगठन के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ या आगे भी रहेगा या क्या रणनीति, इसका भी खुलासा कर? मेरे 35 साल के राजनीतिक कार्यकाल में मैंने कभी भी पार्टी की खिलाफत नहीं की है और मैं आगे भी नहीं करूँगा। मेरा इस नगर पंचायत के चुनाव में अच्छे लोग आएँ जो भ्रष्टाचारी नहीं हो, है ना, जो लोगों का शोषण नहीं करे, ऐसे पार्षदों को चुनाव जिताकर मैं अपनी सरकार इस नगर पंचायत में बनाऊंगा। इसमें आपके 6 पार्षद हैं, अगर आपके 6 पार्षद जीतते हैं तो आपको जिस तरीके से नगर पंचायत में चुनाव की जो शतरंज की बिसात है बीत चुकी है और आपने अपने पत्ते सारे ओपन कर दिए हैं, पहले तो ये बताइए कि क्या तकलीफें आई? आप जो बगावती तेवर ज़्यादा दिखाई दिए इस बार, तो किस तरीके से उन्हें आपने समझाया और आज क्या स्थिति है आपकी? कांग्रेस की अपनी संस्कृति है, कांग्रेस इस देश का सबसे प्राचीन संगठन है और कांग्रेस में किसी प्रकार की बगावत, ये विपक्ष में जो बगावत देखने को कसरावत शहर में मिल रही है, ये उनका अपने संगठन का विषय है। कसरावत में नगर परिषद बने, भय और भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद का गठन कसरावत में हो, कसरावत नगर का सर्वांगीण विकास हो, कसरावत नगर विकास की ऊंचाइयों पर पहुँचे, ये कांग्रेस की और कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय सचिन यादव जी की मंशा के अनुरूप कसरावत नगर का मास्टर प्लान बने और कसरावत नगर एक पूर्ण विकसित शहर बने, ये हम सब हमारे परिषद की और हमारे जितने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उन सब की इसी संकल्प को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं और चुनाव में हम निश्चित तौर पर विजयी होंगे। कसरावत शहर का मतदाता जागरूक हो गया है, पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार का दलदल हमारे पिछली परिषद में जो देखने को मिला उससे पूरा शहर त्रस्त था। आने वाले समय में एक साफ सुथरी परिषद का गठन होगा और निश्चित तौर पर कसरावत नगर की जनता को समुचित विकास देखने को मिलेगा। कसरावत नगर परिषद चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो गई है, जहां एक और जो कसरावत नगर परिषद है पंद्रह वार्ड है, जिसमें पिछली बार देखा जाए तो उसमें बीजेपी की सरकार थी। वैसे कसरावत क्षेत्र जो है वो निमाड़ के कद्दावर नेता कहे जाने वाले सुभाष यादव का गृह नगर कहलाता है और इस वक्त जो यहाँ के विधायक हैं वो भी सचिन यादव है जो सुभाष यादव के पुत्र हैं और इस बार जो प्रत्याशी को चुनने के भागदौड़ दी थी वो कसरावत के चाणक्य कहे जाने वाले राजेंद्र यादव थे। उनकी पसंद के सारे प्रत्याशी कांग्रेस से चुन के आए, कांग्रेस की तरफ से सारे जो प्रत्याशी चुने हैं वो राजेंद्र यादव ने थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी चुने गए थे वो जितेंद्र आर्य, जो युवा चेहरा कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने इनको चुना था। और जैसा कि हर जगह देखा जाता है कि जब प्रत्याशी चुने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बगावत के सुर उभरते हैं और
इस बात जब जो बगावत को दबा दे वही कलाकारी कहलाती है, वही सही नेतृत्व कहलाता है। तो दोनों पक्ष की तरफ से बगावत थे, जो भी भाजी उम्मीदवार थे उन्होंने काफ़ी दौड़ाया, बहुत परेशान किया, छकाया और अंततः वो दौर भी निकल गया जब बगावत को दोनों तरफ से दबा दिया गया और जो भाजी उम्मीदवार थे उनको कहीं ना कहीं समझाइश दी गई। तो कांग्रेस की तरफ से तो लगभग सभी जो भाजी उम्मीदवार थे उनको समझाइश दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक प्रहलाद सिंह तंवर है उन्होंने अभी एक नया बिगुल जो बजाया है कि वो एक जो भाजी प्रत्याशी थे जिन्होंने अपने फार्म नहीं निकाले थे उनको भी उन्होंने अपने एक नया गुट बनाकर और भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर एक नया जो वो बनाया है उन्होंने ग्रुप, और उस छह भाजी प्रत्याशियों को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।